प्राचीन भारत में उत्पन्न दर्शन और चिकित्सा ने पारंपरिक रूप से शारीरिक संरचनाओं और जीवन प्रक्रियाओं को एक माना है। उनकी शब्दावली संरचना और कार्य के बीच आधे रास्ते में रहती है और मानव शरीर में कुछ संस्थाओं की पहचान करती है जो जीवन ऊर्जा के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है और कुछ अर्थों में उस प्रवाह के लिए नाली है जो विज्ञान और चिकित्सा द्वारा मान्यता प्राप्त संरचनात्मक संरचनाओं के अनुरूप है। चक्र एक व्यक्ति के जैविक क्षेत्र में ऊर्जा केंद्र है और उसकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति और अंगों के कुछ समूहों के लिए जिम्मेदार है। मानव शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्य ऊर्जा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जो चक्रों में घूमते हैं। इन्हें पूर्ण चक्र संदर्भित और भारतीय रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्हें जीवन चक्र माना जाता है। मोर डिटेल अटोपले ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया ठीक इन केंद्रों में होती है। रक्त के साथ महत्वपूर्ण ऊर्जा चक्रों में जीवन के चारों ओर घूमती है और मानव शरीर के सभी अंगों और प्रणालियों को ईंधन देती है। जब इन ध्यान में परिसंचरण स्थिर हो जाता है तो मानव शरीर विभिन्न विकारों के लिए अतिसंवेदनशील हो जाता है। एक उत्कृष्ट निवारक विधि जिसे स्पष्ट रूप से इस तरह के ठहराव से लड़ने के लिए बनाया गया है आत्मचिकित्सा के लिए एक प्राचीन सनातन पद्धति है जो ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करती है। लोगों को विभिन्न चक्रों के अनुरूप विशिष्ट क्षेत्रों की मालिश करके ऊर्जा जारी करने के लिए सिखाता है। वैदिक ग्रंथों में 49 चक्रों का उल्लेख है जिनमें से 7 मूल है, 21 दूसरे तरह में और 21 तीसरे तरह में है। वेदों के अनुसार चक्रों से अलग अलग स्थानों पर जाने वाले कई ऊर्जा प्रणाली हैं। इनमें 3 प्रणाली मूल है। पहले एक जिसे सुषुम्ना कहा जाता है खोखला है और रीढ़ में केंद्रित है। अन्य 2 ऊर्जा मार्ग हिंगला और पिंगला रीढ़ के दोनों ओर स्थित है। ये 2 प्रणाली अधिकांश लोगों में सबसे अधिक सक्रिय है जबकि सुषुम्ना स्थिर है। 7 बुनियादी चक्र स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में उच्च गति से घूमते हैं लेकिन बीमारी के समय या आगे की उम्र के साथ धीमा हो जाते हैं। जब शरीर एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन में होता है तो चक्र आंशिक रूप से खुले रहते हैं। बंद चक्र ऊर्जा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जिससे विभिन्न विकार हो सकते हैं। पहला मूल चक्र मूलाधार जो रीढ़ के आधार पर स्थित है। जीवन ऊर्जा जो एक मजबूत और स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के मूल में है इस चक्र में संग्रहित है। इस महत्वपूर्ण ऊर्जा के भंडार को समाप्त करने से पहले किसी व्यक्ति का बीमार बूढ़ा या मरना असंभव है। जीवन के लिए बहुत इच्छा मूलाधार द्वारा नियंत्रित होती है। यह हड्डियों और जोड़ों दांतों नाखूनों मूत्रजन नांगी प्रणाली और बड़ी आंत का भी प्रभारी है। मूलाधार की एक खराबी के पहले लक्षण अनुचित भय बेहोशी भविष्य में सुरक्षा या विश्वास की कमी पैर और पैर की समस्याएं और आंतों के विकार हैं। मूलाधार चक्र की बाधित गतिविधि से ऊर्जा की कमी पाचन संबंधी समस्याएं हड्डियों और रीढ़ की बीमारियां और दूसरों के बीच तंत्रिका तनाव का कारण बनता है। दूसरा चक्र स्वदिशान जो नाभि के नीचे 3 या 4 अंगुल पर स्थित है। यह चक्र श्रोणि गुर्दे और यौन कार्यों को नियंत्रित करता है। हम इस चक्र के माध्यम से अन्य लोगों की भावनाओं को भी महसूस करते हैं। स्वदिशान में खराबी के लक्षण गुर्दे की समस्याएं और गठिया हैं। तीसरा चक्र मणिपुर सौर जाल क्षेत्र में पाया जाता है। यह चक्र पाचन और श्वास द्वारा उत्पादित ऊर्जा के भंडारण और वितरण के लिए केंद्र है। यह दृष्टि जठराग्नि प्रणाली यकृत पित्ताशय अग्न्याशय और तंत्रिका तंत्र के लिए जिम्मेदार है। एक स्थिर मणिपुर के लक्षण इस प्रकार हैं: बढ़ी हुई और लगातार चिंता साथ ही पेट यकृत और तंत्रिका संबंधी विकार। चौथा चक्र अनाहत जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है छाती क्षेत्र में स्थित है। हम इस चक्र के माध्यम से प्यार उत्पन्न करते हैं और प्राप्त करते हैं। यह हृदय फेफड़े हाथों और भुजाओं के प्रभारी है। ठहराव के लक्षणों में अवसाद और हृदय असंतुलन शामिल हैं। पांचवा चक्र विशुद्धा गले के स्तर पर स्थित है और विश्लेषणात्मक कौशल और तर्क का केंद्र है। यह चक्र श्वासनली और फेफड़े के साथ साथ त्वचा सुनने के अंगों को सुरक्षित रखता है। लक्षणों में भावनात्मक स्थिरता की कमी गर्भाशय ग्रीवा की रीढ़ में बेचैनी गले में खराश संचार करने में कठिनाई और घुटके और थायराइड रोग शामिल है। छठा चक्र अदंजना भुआओं के बीच स्थित है और इसे तीसरी आंख कहा जाता है। यहाँ मानव मस्तिष्क के लिए सिंहासन है। सिर और पीयूष ग्रंथि को ऊर्जा प्रसारित करता है और हमारे सामंजस्यपूर्ण विकास को निर्धारित करने के लिए भी जिम्मेदार है। यदि किसी व्यक्ति की तीसरी आंख ठीक से काम करना बंद कर देती है तो व्यक्ति को बौद्धिक क्षमता सिरदर्द और कान का दर्द ध्यान संबंधी बीमारियों और मनोवैज्ञानिक विकारों में कमी दिखाई दे सकती है। सातवां चक्र सहस्रार सिर के बहुत ऊपर पाया जाता है और शीर्ष का प्रतिनिधित्व करता है जहां किसी व्यक्ति की ऊर्जा उच्चतम आवृत्ति के साथ कंपन करती है। यह एक आध्यात्मिक केंद्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए शरीर का प्रवेश द्वार माना जाता है।
एक स्थिर सहस्रार आंतरिक ज्ञान की कमी या कमी के साथ साथ बुनियादी अंतर ज्ञान की कमी हो सकती है। पहले 7 चक्रों के इस मूल ज्ञान के साथ हम इस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। हम इस जानकारी का उपयोग अपनी परेशानियों और समस्याओं के कारणों का पता लगाने के लिए कैसे करते हैं और चिकित्सा की मदद से स्वयं चक्रों के कार्यों को नियंत्रित करना सीखे जाएं।